तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर के वापस। इसी के साथ में आज मैं जो गेम लेकर के आया हूँ जिसका नाम है इनसाइड। तो इनसाइड आपको एकदम स्क्रीन पे दिखा हुआ आ रहा होगा कि इनसाइड गेम जो आज हमने ट्राई कर रहे हैं इसको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सुना था कि ये मतलब गेम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कि इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ को समझना पड़ेगा कि जैसे कि ध्यान से हमारे सामने कुछ क्लू मिलेगा उसके ऊपर चढ़ना या एनीथिंग आई नो कि आप देखना मतलब कि गेम के अंदर मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है इसके अंदर। तो इनसाइड में जो मिला था तो मैं आया हूँ इसको लेकर के, और बताना भी सही कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, जैसे कि मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और तो और मैं आपके लिए इसकी सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा। तो हम चलिए आ जाइए गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम फ्री वाला ट्राई करेंगे। हमारा कैरेक्टर क्या ऊपर से गिर करके नीचे आया है, धक्के खाता खाता अब हमें बस चलना चाहिए। इसकी तो पहले से ही सांस चढ़ी हुई है हमारे कैरेक्टर की। तो और बताना आपको कि वाला पीसी गेम कैसा लगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ एग्जिस्ट। आई फाइन, अब चलते हैं। क्राउच एकदम स्लो। ओके, चलो आ जाओ। इसके अंदर क्या है ना कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सामने बैरिकेशन लगी हुई है, कूद जाता हूँ मैं तो मुझे क्या ऐसा। एक सेकंड, कोई बंदा उतरा हुआ है जहाँ से यहाँ से कि सामान इंपोर्ट हो रहा है। आप लोगों ने पुष्पा देखी होगी जिसके अंदर की लकड़ियाँ इनपुट होती है, ऐसे ही यहाँ से कि लकड़ियाँ इनपुट होकर के जा रही है, जो कि ये वाला जो गेम जंगल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि जंगल के अंदर बना हुआ है, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ना किसी डॉगी की साउंड आई। एक सेकेंड, सामने बंदे, धीरे धीरे उसको आवाज़ चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने कोई ना कोई बंदा है या कोई ना कोई तो है। धीरे धीरे जाता हूँ, नहीं देखा उसने मुझे अभी तक, तो नहीं देखा है। एक तो कैरेक्टर साउंड इतना ज़्यादा कर रहा है ना, एकदम सू मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सांसें चढ़ रही है। भाई तू दिक्कत मत ले, मैं हूँ। अब इसके आगे मैं कैसे जाऊं? मैं फ्रिज के ऊपर चढ़ सकता हूं क्या? फ्रिज के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा हूं। एक सेकंड, मैं फ्रिज को धक्का लगा सकता हूं, मतलब कि इसको पुश कर सकता हूं मैं। नहीं, अब मुझे समझ में आया, मुझे इसको पुश करके नीचे गिराना है। ओके ठीक है, इसको मुझे धक्का मतलब कि धक्का करके आगे करना है। और अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर चढ़ता हूँ, इसके बाद नीचे आ गया। अब मुझे ऐसा तो लग रहा है कि सामने बंदों को मेरा साउंड गया है या नहीं गया, आई डोंट नो। एकदम स्लो, एकदम स्लो मैं नीचे जाता हूँ। ओके, यहाँ पर वापस से एक वॉल आ गई। अब यहाँ इसके ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं, मतलब इसके आगे पीछे मुझे कुछ ना कुछ, मैं तो इसके ऊपर चढ़ गया। इसके आगे पीछे मतलब कि मैं गेम को थोड़ा सा मैं कॉन्सनट्रेट की इसको गेम को समझ समझ करके खेलूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे पास में वापस से कोई भी रास्ता तो मुझे यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ तो होगी यहाँ पर आसपास। यहाँ पर कोई ना कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, मैं इसको खींच सकता हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर आसपास कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी। ओके, हमने उसको गिरा दिया है और अब मैं इसके ऊपर, अरे मैं भेजी, मुझे इस पार आना पड़ेगा पहले। अरे मैं चढ़ गया था, चढ़ गया मैं, सामने
बंदे दिख रहे हैं मुझे, मुझे थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा आगे। ओ तेरी, देख लिया देख लिया, डॉगी छोड़ दिया उन्होंने मेरे पीछे। भाग 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 मिल्खा भाग, भागो भागो भागो। बच गया बच गया, और मैंने सही टाइम पर जंप भी लगा दी। डॉगी तो देखो मतलब कि पूरा का पूरा क्या मुन्ना माइकल बन रहा है यहाँ पर। अरे चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, हम तो यहाँ से उधर छलांग मार देगा। ओके, मतलब उन्होंने जैसे मुझे देखा यहाँ पर मतलब डॉगी छोड़ दिया मेरे पीछे। मुझे तो आगे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही मुझे कि जिसे मुझे खतरा होगा। खतरा होगा, गाड़ी आ गई पीछे से। भाग 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 मेरे बच्चे भागो। देख लिया, चला जाओ चला जाओ। इतना तो उसके अंदर जब मैंने गेम को अपने गेम को डाउनलोड किया था एप स्टोर से, तब भी मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर मुझे ऐसा छुपना है, ऐसा मतलब कैरेक्टर्स के अंदर उसके ऊपर फाइल दी गई थी। अब इतना तो मुझे पता होगा ना यार। वापिस से सामने एक गाड़ी आ गई, मैं आगे जा सकता हूँ। कोई ना कोई तो इसके अंदर से बाहर आया है, गाड़ी के अंदर से। क्या करना चाहिए मुझे? वैसे कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे आगे तो जाना पड़ेगा, जब तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बंदा लग गया मेरे पीछे। ओ तेरी, खत्म, पकड़ लिया मुझे यार। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए था कि सामने कोई लकड़ी रखी हुई थी जिससे कि मेरा पेड़ भिड़ा और मैं नीचे गिर गया। पर इस बार तो मुझे पता है मैं इस बार पीछे नहीं हटूँगा, इस बार भी बच निकलूंगा ऐसे। कहाँ पर थी लकड़ी? लकड़ी यहाँ पर थी। वापिस से मैं गया। यहाँ पर मेरा गेम हल्का सा रेंडर कर रहा है यार, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रिलैक्स करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मेरा गेम वहाँ पर जाकर रेंडर कर रहा है बहुत गंदे तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है ये इशू? मैं पीछे जाता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा गेम कोई रेंडर्स नहीं कर रहा। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। अब वो बंदा जैसे ही आता ना मेरा गेम रेंडर करता है, देखना देखना। बच गया यहाँ पर मैं, बच गया बच गया। वो तेरी सामने से भी गाड़ी आ गई, बंदा भी आ रहा है मेरे पीछे। ओके बच गया मैं यहाँ पर, बच गया बच गया, वापस से बच गया बच गया। नहीं तो बंदा, ओ तेरी, फायरिंग कर रहा है तेरी। डोगी लगा दिए क्या पीछे? ओ तेरी, ओ तेरी, ये क्या है? पूरा का पूरा झुंडी बेच दिया मेरे पीछे, खत्म कर दिया इन्होंने तो मुझे। मतलब पूरा का पूरा झुंड मेरे पीछे छोड़ दिया भाई साहब। क्या था ये? बराती आए थे भूखे हुए। मैं गया गेम पे ध्यान दूंगा पहले, ये वाली स्टेप में पार करता हूँ, जिसके बाद में मुझे एक चेक पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसके बाद में मैं एक अच्छे से गेम को खेल पाऊंगा।
मुझे यहाँ पर जल्दी से भागना है क्योंकि डॉगी मेरे पीछे आ रहे हैं। यार मैं यहाँ पर गिर जा रहा हूँ यार, सीटी यार, मतलब मैं यहाँ पर जंप नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जैसे जंप करता हूँ ना, मैं पता नहीं क्या होता है कि मैं क्राउच कर जाता हूँ वहाँ पर। मैं जंप करने ट्राई करता हूँ वहाँ पर जंप हो ही नहीं रही वहाँ पर। मैं क्या करूँ, जबकि मैं गेम को इजीली आगे बढ़ा सकता हूँ, पर क्या करूँ। चलो मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ, पर इस बार तो मुझे करना है या नहीं करना। आई एम कीप साइलेंट। What the fuck is this? I'm so bored, यार। ओके फाइन, आई एम कंप्लीट दिस स्टेप। आज मैं पहुंच चुका हूं इस पार और मैं आ गया हूं पानी के अंदर। मैं मुझे सांस लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ओ तेरी, बंदों ने देख लिया मुझे, बंदों ने मार भी दिया मुझे। यार दो शॉट्स लगे बस मुझे, पर मेरा चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर। चलो ये एक बात तो अच्छी हो गई कि मेरा चेक पॉइंट कम्प्लीट हो गया था यहाँ पर। और मुझे अंदर अंदर जाना है पानी के। मतलब आई एम सो बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे जब पता है कि मुझे कोई कोई बार सांस लेने के लिए यहाँ पर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मुझे सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, पर इतना तो कॉमन सेंस होता है कि मुझे सांस लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सांस तो छोड़ो, यहाँ पर सांस आने नहीं दे रहे बंदे। इस बार तो मैं बच करके ओके इस बार तो मैं बच करके निकल आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब आगे चलो, और तो और ज़ोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर। एकदम प्लेन रोड पर आ चुका हूँ मैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि बंदा पूरा का पूरा स्ट्रेस में आ गया, बंदा थक गया हो। बंदा मतलब पूरा पूरा ऐसे ऐसे चल रहा है ना, देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है अपना कैरेक्टर। मक्कों के खेत में आ गया मैं यहाँ पर। और ये आपको गेम वाली ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही, मुझे कमेंट सेक्शन मतलब कि कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। किसी ना किसी चीज़ की साउंड आ रही है गंदी वाली, ये क्या है?
ये चीज़ मुझे मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये वाले बंदे मतलब जो ये चीज़ आ रही है मेरे पीछे येलो येलो सी, ये मेरे तरफ में अट्रैक्ट हो रही है, कुछ करेगी तो नहीं भाई? मतलब दरवाज़ा खोलो। अरे यार अब क्या करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर रोप है, रस्सी रस्सी थी और मैंने पकड़ ली रस्सी को। देख सकते हो आप नीचे की, मतलब ये पूरी पूरी अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे पास में, मुझे सामने कूदना है इसके अंदर। थोड़ा सा अपने आपको मतलब कि स्पीड में करना है झूला और फिर कूद जाना है अंदर। ओके मैं आ चुका हूँ, मैं अंदर आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, वाले जो बंदे थे मेरे पीछे उनसे सेफ हूँ या नहीं। गंदी साउंड भाई, कितना जब मतलब कितना वजनदार अपना कैरेक्टर है। यहाँ पर कोई मशीन सी पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, मुझे खींचते रहना। हो गई चालू, हो गई चालू। अब इससे क्या होगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ना जैसे कि, तो ये वाला लीवर अपने आप बंद हो जा रहा है। अब इसका क्या फ़ायदा है मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दीवार के उस पार जब जाना होगा तो मुझे ऊपर से जो चीज़ रखी हुई है वो उसको नीचे गिराना है, इसकी हवा इसकी अट्रैक्शन से। पर इसको तो मैं छोड़ता हूँ जैसे ही बंद हो जाता है, तो मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पर कोई दरवाज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं जाऊँगा कैसे उस पर? अब तो यहाँ पर तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कुछ भी, कोई समझ में आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी दिख नहीं रही मुझे। नहीं मैं जिस जगह पर रहूँ ना, एक दरवाज़ा है यहाँ पर, तो इससे तो मैं बाहर आ गया। ओ तेरी, ये तो मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये क्या चीज़ थी? इसका कोई काम है क्या? एक सेकंड, इसका कोई यूज़ है, इसका कोई यूज़ है? यहाँ पर येलो येलो सी लाइन आ गई, यार इसका क्या यूज़ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आगे जाता हूँ, अगर जो इनका कोई ना कोई यूज़ होगा तो इनका क्या यूज़ हो सकता है यार? ये इनका मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है क्या। मैं जैसे इनके पीछे जाता हूँ ये वापस से भागने लगती है। देखो ओके, मुझे मतलब कि मैं 100% श्योर था जब मैंने इसके जो हवा गई थी ना इससे कि वो वाले ऊपर चिपक गए और जिससे कि ये नीचे गिर गया। मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतना दिमाग है नहीं मेरे में, बस फिर भी पता नहीं मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये सब। स्टेयर्स आ गई, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मुझे तो इस वाली शेयर सीरीज़ मतलब कि ये वाला जो गेम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग बताना कि आपको कैसा मतलब मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा? अब यहाँ से तो नीचे गिरूँगा तो मर जाऊँगा मैं। एक सेकंड, मुझे भाग करके कूदना है। तेरी नीचे कोई चीज़ गिरी हुई थी जिससे कि कितना तो मुझे समझ में आ गया कि अभी ये वाली चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी तो इसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा। अब मुझे इसके ऊपर चढ़ना है, अब इतना तो बच्चा भी समझ जाएगा। दलदल से आ गई यहाँ पर तो, वो तेरी मतलब मैं इसके अंदर जाकर के अंदर दब रहा हूँ।
अब इसके अंदर मैं जीतूंगा या कि क्या इसका कोई यूज़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई रुक तो जा, रुक जा, रुक जा भाई, ठंड रख। उड़ा दिया, मतलब इस वाले जो पिगी यहाँ पर था, इस पिगी का भी कोई ना कोई तो यूज़ है, जो कि मुझे समझ में आ गया, और उसका यूज़ क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ पर धीरे धीरे जाना है क्या? एक सेकंड, यहाँ पे इसके पास में कुछ ना कोई तो चीज़ रखी हुई है। ये तो वापस से आ गया। अब इसका क्या यूज़ है मुझे यहाँ पर वापस से? मेरा दिमाग क्रेश हो रहा है यहाँ पर, और तो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बस वीडियो को एंड करना चाहिए। मैं इसका वापस सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। ओ तेरी, मैं बच गया, मैं वापस से बच गया। ओके ओके यार, मतलब एट दी एंड में यहाँ पर मारा गया, एट दी एंड में यहाँ पर मारा गया। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मैं अब वापस से कैसे कर पाऊँगा मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता नहीं कैसे कर दिया था कि मुझे इससे बचना है, मुझे इससे बचना है। ओके बच गया, मैं एक बार तो बच गया, वापस से बचना है, बच गया। यार मैं यहाँ पर आकर के नहीं बच पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने आप को जंप नहीं करवा पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके आगे जा कर के मैं या तो जीत जाऊँगा या कुछ ना कुछ तो होगा, जो कि वहाँ पर बहुत बड़ा डोर लगा हुआ है। ये वाला लास्ट रहा है मेरा, अगर जो हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वाले सीरीज में देखेंगे इसको। यार मैं यहाँ पर अपने आप को जंप नहीं करवा पा रहा हूँ, तो बस यहाँ पर मैं मर चुका हूँ। और आई होप यही आज का गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। भाई लोग अगर जो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से ज़रूर बताना, तो मैं इसका सेकंड वाले पार्ट मतलब कि जल्द से जल्द ले करके आऊँ। तो बस यही आज का गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप लोगों को क्या क्या करना है आप लोगों को बताइए, मैंने अभी बता दिया। तो बस यही था गेम प्ले, वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना कि मैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, आप घंटे को ऑल पे कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।